इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आज आपको एक नई कथा सुनाता हूँ प्यारे। पंक्ति है, जो अति मन भावा सो बर पावा। इसकी व्याख्या नहीं किया कभी, सुनिए गौर से। अहल्या माँ को जब स्वरूप प्राप्त हुआ तो ध्यान रखिएगा, जितने दिन माँ प्रस्तर के विग्रह में बनी रही और जो उनकी वय व्यतीत हो गई उसी वय के अनुसार उनको स्वरूप प्राप्त हो गया। प्रभु ने पूछा, आपकी क्या इच्छा है? तो प्रभु, मेरी कोई इच्छा नहीं। नहीं, आप जो पाई हैं इससे संतुष्ट हैं? मां मौन हो गई। क्यों? मां ने कहा, प्रभु हमारे देव ने जब हमको श्राप दिया तो मेरा स्वरूप ऐसा नहीं था, तो जैसा था वैसी कृपा कर दीजिए। अब भगवान हतप्रभ हुए, क्योंकि यदि मां का स्वरूप जैसा था वैसा करना होगा तो गौतम जी का स्वरूप वही करना होगा जो तब था। भगवान मुस्कुराए और पत्नी के भगवत कृपा प्राप्त होते ही जो स्वरूप मां का मिला वही स्वरूप गौतम जी को भी तत्क्षण प्राप्त हो गया। ये जो वति मन भावा सो पर पावा गई पति लोक अनंत। जो भाई जी हम आप आज चर्चा कर रहे हैं 20 और 50, पहली बार चर्चा हुई ना, जो स्वरूप मां को मिला तत्क्षण गौतम जी को भी वही स्वरूप प्राप्त हो गया। इसलिए गए पति लोक आनंद। अब आप समझिए, जो भगवान का भजन करेगा उसको कभी वृद्धावस्था नहीं आती है, क्योंकि भगवान बालक को बालक ही बनाकर रखते। इसलिए तो बंदम बाल रूप सोई राम, बंदम बाल रूप सोई सब सिद्धि सुलभ जपत सुनामो, सब सिद्धि सुलभ जपत सुनामो। आ मंगल भवन यमं सो दशरथ यजीर बिहारी, खेलन को अब दूरी न जाओ, पग नाच दिखाओ। पग प्रार्थना दिखाओ, भगत प्रार्थना करते, मुख पग
देव बर से सुमन दास गिरिधर बलि बलि जा सुंदर सुवन देव बर से सुमन दास गिरिधर बलि बलि जा राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया घड़ी नहीं जा राघव ललन तेरे कोमल बबू सो दशरथ अजीर बिहारी भगवान के बाल स्वरूप का जो गान करता रहे स्मरण करता रहे ध्यान करता रहे उसका बचपन सदैव अक्षुण रहेगा। इसलिए बोले बाबा हमारे बंदव बाल रूप सोई राम। आप किसी भी भगत से मिलेंगे वो बाल भाव में अवस्थित रहते, सारा भाव बच्चों जैसा। क्यों? अरे जो स्मरेंगे वही नाप हो जाएंगे भाई। अरे सरकार ने करुणा कर दी, गए पतिलोक आनंद भरी। बाबा का निर्णय अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया तुलसीदास सठ ते ही भजो छाड़ कपट। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावन गाधे सोनो सब कथा सुनाए एक बार सुन सर मैया। तब प्रभु ऋषि न समेत आए विविध दान मई देव हर्ष चले मुनि वृंद सहाया बेग विदेहन और रम्यता राम जब देखे हर्ष अनुज समेत और नर नारी सुभग सुखी संता धर्मशील ज्ञानी और नर नारी सुभग सुखी संता धर्मशील ज्ञानी। विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिलापति संग सचिव शुचि भूरि भट्ट भूसुर बर गुर चले मिलन मुनि नायक मुदित बाबा। विश्वामित्र जी सपरिकर समाज पहुंच गए मिथिला में। जनकराज महाराज ने स्वागत किया, सुंदर सदन में वास कराया। सुंदर सदन दिव्य महल अति विशिष्ट अतिथि गृह में वास कराया गया बाबा विश्वामित्र जी को। प्रभु के संग भोजन विश्राम सांझ को 5 बजे कथा शुरू हुई, फिर संध्या वंदन आदि व्यारो आरती विश्राम। अब गुरु जी विश्राम में कथा विश्राम में मुनिवर सयन की रघुबर भगवान विश्राम में आज्ञा पाकर, प्रभु की आज्ञा पाकर लक्ष्मण भैया विश्राम में, तो हम कथा को विश्राम करें। चलते चलाते आप सबका बहुत बहुत आदर स्वागत हरि नाम। कुछ समिति का निर्णय है, कोई मोमेंटो वेट करना है, सब लोग आगे आ जाओ। हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे
जनयाजति प्रभु शंभुनाथ हनुमान राम लखन श्री जानकी सदाथ रज राम चंद्र भगवान भवानी शंकर भगवान श्री हनुमान जी महाराज पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर आरती आरती राम दहन दुख दो निर्मूलनी का सुरभ सौरभ हो दीप बरमालिका उड़त अब विहंग सुनी ताल जगेन जगमय जंत देवस्तानि धर्मानि प्रथमान्य सन्नते हनाकं महिमानः सन्त्रयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति काबकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।